जिंदगी में अगर कभी भी मुश्किल में पड़ जाओ तो सिर्फ खुद से ही सवाल जवाब करना, क्योंकि खुद से बहस करोगे तो मिल जाएंगे सारे सवालों के जवाब, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। कहना क्या चाहता है सामने वाला, उसकी भी सुनना जरूर, क्योंकि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। मैं सच के रास्ते पर चलने को इसलिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ बहुत कम होती है। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा जगाए रखना दोस्तों, क्योंकि सफल इंसान वही है जिसे टूटे हुए को बनाना और रूठे हुए को मनाना आता है। अफसोस कभी मत करना जिंदगी में, क्योंकि सबको सब कुछ नसीब नहीं होता, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। कभी ईमान मरता है तो कभी किरदार मरता है, ये सच है कि मुश्किलों में इंसान 100 बार मरता है। किस्मत अगर साथ ना दे तो मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है किस्मत पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। लोगों से जानबूझकर कम ही मिला करो, क्योंकि उन्हें मालूम होगा आपकी खैरियत के बारे में, फिर भी हाल पूछकर आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। देखने में कुछ खास तो नहीं था वो शख्स, पर उसने जुबान खोलकर दिल जीत लिया। इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर जीने के लिए, पर अफसोस मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आज कुछ सिखा दीजिए। बुजुर्ग ने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया कि जी धोए हैं। बुजुर्ग ने फिर पूछा तो क्या सीखे? शख्स बोला अब इसमें सीखने वाली क्या बात है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बर्तन को बाहर से ज्यादा अंदर से धोना पड़ता है। दोस्तों अगर आप भी चमकना चाहते हो तो अंदर से खुद को चमकाओ। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, यही जिंदगी का फंडा है। गमों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। हम दुखी ज्यादातर अपने ही रवैये से होते हैं, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा वक्त पराए लोगों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में निकल जाता है। अपनी खुशी और गम दोनों अपनों से बांट लेने चाहिए, क्योंकि बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है और बांटने से दुख कम हो जाते हैं। ये बात पूरी तरह सच है कि अच्छाई जल्दी से किसी को नजर नहीं आती। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ में मुस्कुराते रहे उम्र भर। कुदरत के नियम को कौन बदल पाता है। सब्र करो, क्योंकि बुरे दिन का भी एक दिन बुरा दिन आता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। अगर जिंदगी एक ही दिन में ऊंचाइयों पर पहुंचाती तो हमारे पास जीने के लिए कभी दूसरा कल नहीं होता। हो सकती है जिंदगी में मोहब्बत दोबारा भी, बस हौसला चाहिए फिर से बर्बाद होने का। खामोशी से मेहनत करो और कामयाबी से लोगों की बोलती बंद कर दो, क्योंकि एक शेर भी जानता है कि खामोशी से ही शिकार किया जा सकता है, दहाड़ कर कभी भी शिकार नहीं होता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।